गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने के बाद जिला यूथ कांग्रेस सोलन ने धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि देश में बाबाओं व अन्य लोगों को बेवजह एसपीजी सुरक्षा प्रदान की गई है, लेकिन देश को दो दो प्रधानमंत्री देने वाले गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाई गई है, जो कि निंदनीय है। गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने के बाद जिला यूथ कांग्रेस सोलन ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। सोलन में हुए यूथ कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर सहित सोलन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अमित ठाकुर और दर्जनों युवा कांग्रेसियों ने एक स्वर में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राफेल डील सहित गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने को निंदनीय करार देते हुए युवा कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अगर गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार गृह मंत्री होंगे। उन्होंने राफेल सौदे पर भी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के गठन की मांग की। गांधी परिवार कोई हिंदुस्तान का आम परिवार नहीं है। इस परिवार ने इस देश को जो दो दो प्रधानमंत्री दिए, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है, और जिसकी वजह से ये देश एकजुट हुआ है, उनकी एसपीजी कवर को विड्रॉल करना बहुत ही खेद का विषय है और दुख का विषय है। आप सभी लोग जानते हैं जिस तरह से पूर्व में वीपी सिंह सरकार जी ने माननीय राजीव गांधी जी का जो एसपीजी कवर है उसको विड्रॉल किया था, और उसके बाद उनकी आत्मघाती दस्ते ने हत्या कर दी थी। ये बड़ी शर्म की बात है। और कई बार कई जगहों पर जिस तरह से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की सुरक्षा में चूक हुई है, ढील बरती गई है, वो आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आने वाले भविष्य में भी उनको खतरा हो सकता है। और हम पूरा आरोप लगाना चाहते हैं कि अगर ये जो एसपीजी सुरक्षा उन्होंने विड्रॉल की है, कवर विड्रॉल की, आने वाले समय में अगर उनकी सुरक्षा को कोई खतरा होता तो उसके सरेआम जो जिम्मेवारी होगी वो इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की होगी। और ये और कुछ नहीं है, और आप देख रहे होंगे दूसरे साधु संत है, दूसरे उनके जो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनकी उनको इन्होंने जेड सुरक्षा और वाई प्लस सुरक्षा दी गई है। उनके लिए क्यों दी है, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन इस देश के लिए? और दूसरी जो मांग है हमारी वो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करने के लिए। पिछले काफ़ी समय से रक्षा विमान को लेकर इस देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक 526 करोड़ का जो राफेल विमान है उसको क्यों 1670 करोड़ में खरीदा जा रहा है, वो जो इतना मार्जिन है और उसके बीच का जो राजस्व है वो कहाँ जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।